फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेके आए हैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर, नवंबर 2022 का करंट अफेयर। इस वीडियो में हम देखेंगे नवंबर मंथ में जितने भी करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वेन इज द भारतीय भाषा दिवस टू बी ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है नवंबर 5, नवंबर 20, नवंबर 30 एंड दिसंबर 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 11, ऑप्शन डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी ऑब्जर्व भारतीय भाषा दिवस ऑन दिसंबर 11 एवरी ईयर। ठीक है, यूजीसी के द्वारा क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया किया गया कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या करेंगे, वो भारतीय भाषा दिवस ऑब्जर्व करेंगे। कब? दिसंबर 11 को। तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है। द डे एम्स टू सेलिब्रेट लैंग्वेज हारमोनी एंड प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस। द मूव केम आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लास्ट ईयर टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। What is the theme of the India Water Week 2022? India Water Week 2022 का थीम क्या था? ऑप्शन ए है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, वाटर इंक्लूजन, सस्टेनेबल वाटर यूजेस, वाटर सोर्सेस एंड सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, ये इसका थीम था। ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। वाटर सिक्योरिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक एट द इंडो एक्सपो सेंटर इन ग्रेटर नोएडा। तो कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। द 7th इंडिया वाटर वीक विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 5 नवंबर विद द थीम ऑफ वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। तो ये आपका थीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। द इवेंट विल एड्रेस द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से ये क्या है, एक है। तो इसका थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट और यूटी। ठीक है, ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन, द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ऑर्गेनाइज्ड चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल अंडर बैक टू विलेज फेज 4। मोर देन 1000 पीपल स्पेशली द यूथ अटेंडेड द इवेंट हेल्ड इन द सिबनोट एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म अराउंड द ईयर इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटीजनशिप एक्ट अंडर विच सिटीजनशिप इज टू बी ग्रांटेड टू माइनॉरिटीज फ्रॉम 3 कंट्रीज वाज इनएक्टेड इन विच ईयर। ऑप्शन है 1947, 1955, 1962, 1972। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1955, ऑप्शन बी 1955।
1955. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड करंटली लिविंग इन टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955. द मूव टू ग्रांट सिटीजनशिप कम्स अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड नॉट द कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA. ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1955, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. इंडिया साइंड MOU with which country on cooperation in the field of water resources development and management? Option है फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डेनमार्क. सॉल्यूशन देखते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. बोथ द कंट्रीज लॉन्च्ड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्मार्ट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर वाटर इन वाराणसी इज ऑल्सो प्लान्ड. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑप्शन नवंबर 2, नवंबर 5, नवंबर 7, नवंबर 11. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नवंबर, ऑप्शन ए. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists 2022 is marked on 2nd November 2022 and the United Nations General Assembly declared this day as the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. ठीक है? In General Assembly Resolution, the landmark resolution condemns all aggression and violence against journalists and media workers. The date was selected to commemorate the assassination of two French journalists in Mali in November 2013 named Claude Verlaine and Ghislaine Dupont while reporting. So, reporting के time इन दोनों लोगों का death हो गया था, assassinate किया गया था, इसीलिए ये जो date है November 2 इसको observe किया जाता है. कैसे? International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. ठीक है, next question देखते हैं. Which Indian state is set to host the Track Asia Cup 2002 cycling tournament? Option है Karnataka, Uttarakhand, Kerala, Sikkim. तो इसका right answer क्या हो जाएगा? Option C, Kerala. Kerala क्या है? Track Asia Cup 2022 cycling tournament का आयोजन कर रहा है. इसका explanation देखते हैं. Kerala is set to host the Track Asia Cup 2022 cycling tournament, which is one of the biggest cycling events. Track Asia Cup is also the selection of Asian countries for the 2024 Paris Olympics. So, इससे जो selection होगा वो जो 2024 में Paris में जो Olympic हो रहा है उसमें selection भी इसी से होगा. ठीक है, around 200 cyclists from over 25 countries in Asia will take part in the event. ठीक है, तो 25 देशों से 200 साइक्लिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं. विच इज बीइंग कनेक्टेड आउटसाइड दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम. ये पहली बार है ऐसा जब दिल्ली से अदर सिटी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग 2022 इज सैंक्शन बाय एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला, ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एट क्वेश्चन है. एजुथाचन पुरस्कारम 2022 इज द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट.
कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, केरला के द्वारा ये पुरस्कारम जो अवार्ड है वो दिया जाता है, एजुथाचन पुरस्कारम 2022। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एजुथाचन पुरस्कारम इज द केरला स्टेट गवर्नमेंट्स हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, नेम्ड आफ्टर थुंचाथु रामानुजम एजुथाचन, अ 16th सेंचुरी डिवोशनल पोएट। दिस ईयर नोटेड मलयालम फिक्शन राइटर सेथु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द एजुथाचन अवार्ड 2022। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका कि इस साल के जो एजुथाचन अवार्ड 2022 के जो विनर हैं वो कौन है? तो राइटर सेथु। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन मलयालम लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, मलयालम फिक्शन है, राइटर का नाम क्या है? सेतु, जो कि जिन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, द राइटर इज आल्सो रिसिप्ट ऑफ द केंद्र साहित्य अकादमी अकेडमी अवार्ड एंड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो इनको ये दोनों अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमियाम लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले बार आया था एक आपका, पिछले बार ज्वालामुखी से क्वेश्चन एक आया था, पूछा हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उमियाम लेक पूछ रहा है किस स्टेट में है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में उमियाम लेक है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द नेम, सॉरी ये यहाँ पे है, उमियाम लेक इज द रिजर्वायर नॉर्थ ऑफ शिलोंग इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक है, मेघालय स्टेट में है। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा रिसेंटली अनाउंस दैट असम एंड मेघालय विल वर्क विद द इंडियन आर्मी टू ट्रांसफॉर्म द उमियाम लेक इंटू अ वर्ल्ड क्लास वेन्यू फॉर एक्वेटिक स्पोर्ट। ठीक है, एक्वेटिक स्पोर्ट्स के लिए इसको इसको क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा उमियाम लेक को। तो ये कहाँ पे है याद रखना है? मेघालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू चैटबॉट लॉन्च बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। ठीक है, UIDAI भारत, आधार मित्र, आधार दिशा और आधार प्रश्न प्रश्न आधार प्रश्न सॉरी आधार प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधार मित्र। ये एक चैटबोट है, ठीक है, जिसमें आप देखते होंगे जैसे IRCTC में एक दिखता है, जैसे ही आप साइट खोलते हैं तो यहाँ पे एक अपने आप एक चैटिंग ओपन हो जाता है जिसमें आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आधार कार्ड का भी जो साइट है उससे भी उसने उन्होंने भी एक लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्र। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI हैज टॉप्ड द ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स पब्लिश बाई डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG। दिस इज द थर्ड मंथ इन रो वेन UIDAI हैज टॉप द रैंकिंग। द UIDAI ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू AI और ML बेस्ड चैटबोट नेम्ड आधार मित्र। द न्यू चैटबोट कम्स विद द इनहेंस्ड फीचर लाइक चेकिंग आधार एनरोलमेंट स्टेटस, इंफॉर्मेशन ऑन एनरोलमेंट सेंटर लोकेशन अमंग अदर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार मित्र, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट विद 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ऑप्शन है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? मिलेट्स में कितना है? 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड शेयर ऑफ 41% ऑफ द
ग्लोबल प्रोडक्शन कितना है, 41%, याद रखना है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड ए स्ट्रेटजी टू इन्वॉल्व इंडियन मिशन एब्रोड एज वेल एज ग्लोबल रिटेल सुपर मार्केट टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स। मेजर इंटरनेशनल रिटेल सुपर मार्केट लाइक लुलू ग्रुप एंड वॉलमार्ट वुड ऑल्सो बी रोप्ड इन टू इस्टेब्लिश मिलेट कॉर्नर फॉर ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विच एशियन कंट्री इज नेम्ड एज द होस्ट ऑफ 2023 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, सी इंडिया। ठीक है, तो आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का होस्ट कंट्री कौन सा है, इंडिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट कंट्री फॉर द 2023 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इवेंट वॉज साइंड बिटवीन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए एंड द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई। इट विल बी द थर्ड वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप टू बी कंडक्टेड इन इंडिया एंड द सेकेंड इवेंट विद इन ए स्पैन ऑफ 6 ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ मंग्रूव एलियंस फॉर क्लाइमेट एमएसी एज ऑफ नवंबर 2022। ठीक है, 3, 5, 7, 9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया इज अमंग द 5 कंट्रीज टू ज्वाइन द एमएसी एट द 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP27 एट शर्म एल शेख इन इजिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक यहाँ पे बन जाएगा कि COP27 कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, शर्म एल शेख इन इजिप्ट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। द अदर कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन एंड श्रीलंका। द मूव इज इन लाइन विद इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निलेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मेड बाय विच कंपनी। ऑप्शन है ए पिक्सल, बी है अग्निकुल कॉस्मस, सी है ध्रुव एरोस्पेस एंड डी है आपका शक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इंडियन स्पेस एजेंसी हैंडेड ओवर द फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम FTS। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, FTS का फुल फॉर्म इज यूज्ड इन इट्स ओन रॉकेट्स टू इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस। द चेन्नई बेस्ड लॉन्च व्हीकल कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग देयर ओन रॉकेट अग्निबाण। अग्निलेट इज ए सिंगल पीस इंजन एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फुल्ली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है, अग्निलेट वॉज टेस्ट फायर्ड एट द वर्टिकल टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्टर यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022. द रूल्स विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर एंड अप्लाई टू एवरी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर रिफर्बिशर एंड रिसाइक्लर. द रूल्स मैंडेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ लेड मर्क्यूरी कैडमियम अमंग अदर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ये चीज याद रखना है कि क्या क्या है उसमें, क्या अवॉइड करना है. इस लेड मर्क्यूरी कैडमियम के जो यूज है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है. तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल. मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑप्शन ए सही होगा. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल. It aims to ensure affordable, sustainable and green energy for all and continuation of several green initiatives. Any consumer with an connected load of 100 kilowatt or above can get renewable energy through open access and the application for open access can be made on this portal. ठीक है, इस पोर्टल से क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. विच कंट्री लॉन्च द इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन इन द कोप 27 समिट. इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके. तो इसका राइट आंसर क्या है, इंडिया. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP लॉन्च द इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट ए साइड इवेंट ऑफ द कोप 27 एट शर्म एल शेख इजिप्ट. द कैंपेन लॉन्च बाई इंडिया एम्स टू इंकरेज यूथ टू बिकम मैसेज बियरर्स ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल. द कंसेप्ट ऑफ लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट कोप 26 इन ग्लासगो इन नवम्बर 2021. तो ये भी याद रखना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है. कोप 27 कहाँ हुआ था, शर्म एल शेख इजिप्ट में, और कोप 26 कहाँ हुआ, ग्लासगो में. ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. विच कंट्री साइन द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP इन द G20 समिट 2022. ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान. इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, इंडोनेशिया. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इंडोनेशिया साइन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ऑफ और JETP विद इंटरनेशनल लीड लेंडर्स एंड मेजर नेशंस ऑन साइड लाइन्स ऑफ द G20 समिट इन बाली. The $20 billion agreement will provide funding to help the country increase its use of renewable energy and reduce its reliance on coal. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इंडोनेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. Which institution created a new position called Professor of Practice (PoP)? AICT, UGC, NTA, IIT, बॉम्बे. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, UGC. ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द UGC हैज क्रिएटेड अ न्यू पोजीशन कॉल्ड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस PoP टू इनेबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स. इट हैज अर्लियर पब्लिश गाइडलाइंस फॉर इंगेजिंग देम. UGC has recently directed to the universities to make necessary changes in their statutes to enable the engagement of professor of practice. The number of POPs in higher education institutes
एट एनी पॉइंट इन टाइम शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट। ठीक है, तो ये किसने किया है? यूजीसी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच सिटी होस्टेड द वैक्सीन इंजेक्टिंग होप एग्जीबिशन? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड गांधीनगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यू दिल्ली एन इंटरनेशनल ट्रेवलिंग एग्जीबिशन वैक्सीन इंजेक्टिंग होप वॉज इनॉग्रेटेड बाई इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल। इट वॉज इनॉग्रेटेड एट नेशनल साइंस सेंटर इन न्यू दिल्ली NCSM एंड साइंस म्यूजियम ग्रुप लंडन पार्टनर टू डिस्प्ले द स्टोरी ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू डेवलप वैक्सीन एट हायर स्पीड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंडिया स्टोन मार्ट 2022 एग्जीबिशन? ऑप्शन है पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयपुर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द 11th एडिशन ऑफ इंडिया स्टोन मार्ट 2022 स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज इन जयपुर, राजस्थान। एज मेनी एज 1400 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग वर हेल्ड विद बायर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड 30,000 विजिटर्स। द 11th स्टोन मार्ट वॉज ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली बाई राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीडोक CDOS एंड फिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, नताशा पर्क मूसर हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है क्या? नॉर्वे, फिनलैंड, स्लोवेनिया एंड सीरिया। तो ये है स्लोवेनिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्लोवेनिया। जो नताशा पर्क मूसर हैं वो कहाँ के फीमेल, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट वो हुई हैं? कहाँ के? स्लोवेनिया का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। लिबरल राइट्स एडवोकेट नताशा पर्क मूसर हैज बीन इलेक्टेड एज ए स्लोवेनियाज फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। 54 ईयर ओल्ड पर मूसर विल बी द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्रेसिडेंट सिंस स्लोवेनिया बिकम इंडिपेंडेंट अमिड द ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया इन 1991। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इंक्लूजन इन मेडिकल केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, ऑप्शन ए। एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 14th नवंबर। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है क्या कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को। ठीक है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, इट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज एज ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशंस। दिस ईयर द थीम, क्या था थीम? देखिए, एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। तो ये आपको याद रखना है, दो पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका, एक तो एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन और एक 14th नवंबर, ये दोनों याद रखना है। फॉलो द मल्टी ईयर थीम ऑफ द एक्सेस टू केयर। एज पर WHO देयर वर अबाउट 8.4 मिलियन इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड विद टाइप 1 डायबिटीज इन 2021। खुद सोचिए, 8.4 मिलियन लोग हैं टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं। कब तक? 2021 का डेटा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवार्डेड द ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? ऑप्शन है पीवी सिंधु, शरत कमल, मैरी कॉम, विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट का शरत कमल, ऑप्शन बी। शरत कमल इंडिया टेबल टेनिस वेटरन अचंता शरत कमल वाज कंफर्ड विद द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 25 अदर प्लेयर्स वर चूजन फॉर अर्जुन अवार्ड इंक्लूडिंग एल्डोस पॉल, अविनाश मुकुंद साबले, लक्ष्य सेन, सीमा कुनिया, आर प्रगनंदा एंड निखित जरीन। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 वर आल्सो अनाउंस्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरत कमल को क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर हाईटेक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? इसरो, जाक्सा, एसा एंड डी क्या है आपका? नासा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा आपका? राइट आंसर नासा। नासा से है कौन सा? हाइब्रिड थर्मली इफिशियंट कोर प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड? नासा से है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अंडर हाइब्रिड थर्मली इफिशियंट कोर हाईटेक प्रोजेक्ट नासा अवार्डेड ए कॉस्ट शेयर कॉन्ट्रैक्ट टू प्रैट एंड विटनी विद अ टोटल वैल्यू ऑफ US$13.1 मिलियन। द हाइब्रिड थर्मली इफिशियंट कोर हाईटेक प्रोजेक्ट एम टू इम्प्रूव एयरक्राफ्ट इंजिन कम्बस्टर्स टू इंश्योर द फ्यूचर ऑफ कमर्शियल फ्लाइट इज मोर एफिशियंट एंड क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पे हाईटेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा हाइब्रिड थर्मली इफिशियंट कोर यानी हाईटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच कंट्री साइन द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इन, ये देखिए रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, इंडोनेशिया, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच कंट्री इज फ्रंट रनर इन क्लाइमेट मिटिगेशन एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क आपका क्या है? राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्वेश्चन एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI द करंट फ्रंट रनर इन क्लाइमेट मिटिगेशन कंटिन्यूज टू बी डेनमार्क। डेनमार्क इज द ओनली कंट्री विद हाई नेशनल एंड इवन वेरी हाई रेटेड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। नो कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट टू थर्ड वाइल डेनमार्क इज द रैंक्ड फोर्थ फॉलोड बाई स्वीडन। इंडिया इज रैंक्ड एट। ठीक है, तो यहाँ आपको एक ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि CCPI में जो इंडिया की रैंक है कितनी है? एट है। फर्स्ट रैंक पे कोई नहीं है, कोई भी कंट्री फर्स्ट रैंक पे नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड कोई नहीं है, फोर्थ पे है आपका डेनमार्क, फिर उसके बाद है स्वीडन फिफ्थ पे, और एट नंबर पे क्या है आपका? इंडिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड? विराट कोहली, शाहीन अफरीदी, सैम कुरन एंड मोइन अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैम कुरैन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंग्लैंड क्रिकेटर सैम कुरैन हैज बीन प्रेजेंटेड विद द ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड आफ्टर इंग्लैंड विंस द टाइटल डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल। कुरैन इमर्ज एज ए की बॉलर एंड यूजफुल विकेट टेकर फॉर जॉस बटलर टीम एज ही इज फिनिश द वर्ल्ड कप विद 13 विकेट्स एंड द अप स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द टूर्नामेंट हैज बीन अनाउंस विद द फोर इंग्लैंड प्लेयर विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव रिप्रेजेंट इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैम कुरैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
इंडिया होस्टेड द लीड आईटी समिट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ कोप 27 अलॉन्ग विद विच कंट्री? ऑप्शन है स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया एंड स्वीडन होस्टेड द लीड आईटी समिट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ कोप 27। द लीड आईटी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन सेप्टेम्बर 2019 एंड इज सपोर्टेड बाई द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट्स फोकसेस ऑन लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ द हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर। द समिट वॉज फॉलोड बाई द पब्लिक लॉन्च ऑफ द लीड आई टी समिट स्टेटमेंट 2022 इन द इंडिया पवेलियन एट कोप 27। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आर्टेमिस इज द नेम ऑफ द मून रॉकेट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? इजराइल, यूएई, यूएसए एंड चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। आर्टेमिस किसका है? यूएसए का है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज लॉन्च इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट आर्टेमिस टू द मून एंड द 100 मीटर टाल आर्टेमिस व्हीकल्स हैज एन ऑब्जेक्टिव टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट कैप्सूल इन द डायरेक्शन ऑफ द मून एंड द स्पेस क्राफ्ट कंप्राइजेस द स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट एंड ओरियन कैप्सूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू साइड्स? ऑप्शन है जापान, पनामा, मालदीव्स, पपुआ न्यू गिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पनामा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The 19th conference of the parties to sides is being held in Panama, a Central American country. Site is an agreement regulating the movement across international borders of certain wild animals and plant species. एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि साइट्स क्या है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट रुकिए, इसका है कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है, तो ये आता है, कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साइट्स इज एन एग्रीमेंट रेगुलेटिंग द मूवमेंट अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। ठीक है, इंडिया हैज प्रपोज टू प्रोटेक्ट स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर रेप्टाइल कॉल्ड द रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। Sites. The turtle native to India and Bangladesh is at a high risk of extinction. इसका right answer क्या हो जाएगा? Panama. ठीक है, next question देखते हैं। Which two countries signed an agreement worth $74.5 million to stop illegal migrants from channel crossing? Option है Norway, Italy, Germany, UK, France and Australia, New Zealand. इसका right answer क्या है?
यूके एंड फ्रांस। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन एग्रीमेंट वर्थ $74.5 million वाज साइंड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस टू स्टॉप इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम चैनल क्रॉसिंग। ठीक है, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो क्रॉस ना करें, इसके लिए एक क्या किया गया है, एग्रीमेंट साइन किया गया है। कितने का? $74.5 US का, $74.5 million का। अ मल्टी ईयर एग्रीमेंट कॉल्स फॉर 40% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रेंच ऑफिसर्स पेट्रोलिंग फ्रेंच बीचेस विद ब्रिटिश फंडिंग। ठीक है, तो फ्रेंच जो ऑफिसर होंगे वो वहां पर पेट्रोलिंग करेंगे और उसके फंडिंग जो करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। मोर देन 40,000 पीपल हैव ऑलरेडी क्रॉस द चैनल टू ब्रिटेन दिस ईयर अप फ्रॉम 28,000 लास्ट ईयर। ठीक है, वो तो यही बता रहा है कि 40,000 पीपल क्या कर चुके हैं, चैनल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑर्गेनाइज द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ इट्स टेक समिट। ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट BTS 22। टू मार्क द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई रिलीज्ड अ प्लेक। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन एंड मिनिस्टर्स फ्रॉम UAE, ऑस्ट्रेलिया एंड फिनलैंड। एंड द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ IT, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI। तो इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विच इंस्टीट्यूशन हैज साइन MOU with Reserve Bank of India for collaboration in the field of regulation and supervision of regulated entities. Option है PFRDA, IFSCA, IRDAI, National Housing Bank. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, IFSCA. एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। द MOU फैसिलिटेट्स टेक्निकल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंजेज ऑफ इंफॉर्मेशन। द एग्रीमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल इकोसिस्टम। IFSCA is a unified regulator responsible for development and regulation of financial products, financial services and financial institution in IFSCs. ठीक है, तो ये क्या है कि रेगुलेटर है एक तरह से कह सकते हैं, जो किसके लिए responsible है, जो financial products होते हैं, financial services होते हैं और जो financial institution होते हैं उनको regulate करता है। ठीक है, तो option क्या हो जाएगा इसका? B, IFSCA. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कीन स्वॉर्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑप्शन है USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जापान। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन जो है, द जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस एंड द US मिलिट्री लॉन्च्ड अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइटल्ड कीन स्वॉर्ड। ठीक है, कीन स्वॉर्ड जहां भी देखेंगे तो वो कौन होस्ट किया है? जापान किया। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स अराउंड 26,000 पर्सोनल फ्रॉम जापान्स मैरीटाइम एंड एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, एज मेनी एज 10,000 US सोल्जर्स फ्रॉम द स्पेस फोर्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो US के 10,000 सोल्जर्स और 26,000 जो पर्सोनल कहां के
जापान मैरीटाइम के इन्होंने मिलके किया है। ठीक है, द मल्टी लेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2022 बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो कमेंस्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि मालाबार एक्सरसाइज किन किन के बीच होता है, तो आपको याद रखना किसके बीच, नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, ये चार देश हैं, इनके बीच होता है कौन सा एक्सरसाइज, मालाबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ सूट फॉर सॉल्यूशन ऑफ ईएसजी इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन है डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंडिया, जेपी मॉर्गन, आईसीबीसी, गोल्डमैन सैच्स ग्रुप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंडिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंडिया लॉन्च्ड अ सूट ऑफ सॉल्यूशंस कॉल्ड डी एंड बी, ईएसजी, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इंटेलिजेंस। इट हैज बीन लॉन्च टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स ईएसजी कंप्लाइंट बाय कंडक्टिंग सेल्फ असेसमेंट्स एंड थर्ड पार्टी ईएसजी रिपोर्ट्स ऑन सप्लायर्स, वेंडर्स एंड अदर सप्लाई चेन पार्टनर्स। ठीक है, सेबी हैज मेंटेड टॉप 1000 बिजनेसेस बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन टू फाइल अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2022। ऑप्शन ए है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर, अवेयरनेस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स ऑफ पैरासाइट्स टू मेडिसिन। ऑप्शन डी है ग्लोबल हेल्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर, ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर फ्रॉम नवंबर 18 टू 24। दिस वीक एम्स एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन। दिस ईयर द थीम इज प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टूगेदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है थीम, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टूगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, जर्मनी, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द यूएस सीनेट एडवांस रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट दैट वुड प्रोवाइड फेडरल प्रोटेक्शन फॉर सेम सेक्स एंड इंटररेशियल मैरिजेस। द रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज एक्ट रिपील्स द प्रीवियस डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट एंड सेफ गार्ड सेम सेक्स एंड इंटररेशियल मैरिज बाई रिक्वायरिंग द रिकॉग्निशन ऑफ वैलिड मैरिजेस रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस, एथनिसिटी और नेशनल ओरिजिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग विच वॉज सीन इन द न्यूज इज मेड इन विच स्टेट, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो कांगड़ा वैली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन विद अ कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ऑन द कंक्लूडिंग डे ऑफ 17th G20 समिट इन इंडोनेशिया बाली। तो यहाँ से एक चीज क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको, क्या 17th G20 कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया बाली में। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर गेव स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर
पेड्रो सैंचेस एक कनाल ब्रास सेठ फ्रॉम हिमाचल मंडी एंड कुलू डिस्ट्रिक्ट एंड इटली प्राइम मिनिस्टर। जॉर्जिया मेलोनी अ पटन पटोला दुपट्टा हैंड वोवन फ्रॉम नॉर्दर्न गुजरात। द स्कार्फ वॉज मेड विद द टेक्निक कॉल्ड डबल इकट टेक्निक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उरा देवी पासी एन इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज फ्रॉम विच प्रेजेंट डे स्टेट? तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। उरा देवी पासी वॉज एन इंडियन वुमन फ्रीडम फाइटर हु पार्टिसिपेटेड इन इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शी वॉज ए मेंबर ऑफ द वुमन स्क्वाड ऑफ वाजिद अली शाह द सिक्स नवाब ऑफ अवध। अवध आर अवध इज द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। एंड शी वॉज ए लीडर हु मैनेज टू मोबिलाइज पीपल इंक्लूडिंग दलित वुमेन टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटीज? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA मुंबई इन एसोसिएशन विद IIT मद्रास डेवलप्ड है कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CMWQMS एंड द कंटिन्यूअस वाटर क्वालिटी सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग व्हीकल्स विल असिस्ट इन मैनेजिंग द मरीन वाटर एंड एयर क्वालिटी इन द पोर्ट एरिया। एंड इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग व्हीकल्स वॉज ऑल्सो लॉन्च एट द पोर्ट। तो कहाँ पे है JNPA? JNPA है आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। बुद्धावनम अ बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, असम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तेलंगाना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्धावनम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क प्रोजेक्ट वॉज इनोग्रेटेड इन तेलंगाना। इट वॉज डेवलप्ड बाई तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एट नागार्जुन सागर। द कॉरपोरेशन इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग टू सेट अप बुद्धिस्ट मोनास्टरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नियर नागार्जुन सागर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विच कंट्री लॉन्च द RS-200 साउंडिंग रॉकेट? रसिया, इंडिया, ईरान, इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कंडक्टेड 200th कंजिक्यूटिव लॉन्च ऑफ RS-200 साउंडिंग रॉकेट। इंडियन साउंडिंग रॉकेट आर यूज एज अ टूल फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर द कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स ऑन मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड सिमिलर ब्रांचेस ऑफ स्पेस फिजिक्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इट्स राइट टू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिससे क्या कोई भी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन देखिए, द सुप्रीम कोर्ट लॉन्च इट्स ऑनलाइन पोर्टल थ्रू विच सिटीजन्स कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द कोर्ट। तो कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसके लिए आप एप्लीकेशन कर फाइल कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। द पोर्टल कैन बी यूज ओनली बाई इंडियन सिटीजन टू फाइल एप्लीकेशन, केवल इंडियन सिटीजन के लिए है। फर्स्ट अपील एंड टू मेक पेमेंट फॉर फी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, पहले अपील करिए फिर उसके बाद क्या करना है पेमेंट करना है। बिफोर 2 months सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड लाइव स्ट्रीमिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उससे 2 महीने पहले क्या इन्होंने स्टार्ट किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग होती थी। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रधान ग्राम समेकित विकास योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, गुजरात, मिजोरम, उत्तराखंड, हरियाणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट इट विल लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना, ऑल्सो कॉल्ड एज द सीएम फर्स्ट विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। इट एम्स टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विलेजेस क्लोज टू द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो जो बॉर्डर एरिया के पास जो गांव होंगे वहां के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट के द्वारा, उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स विच वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इज ए मूवी मेड इन विच लैंग्वेज, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन। तो ये बनी है किसमें, स्पेनिश में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द 53rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI कंक्लूडेड रिसेंटली। स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम डायरेक्टेड बाय द वैलेंटिना मैरोल मॉरेल वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड। वाहिद मोबासेवी द लीड एक्टर ऑफ नो एंड वॉज ऑनर्ड विद द सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल, वाइल डनीला मरीन नवारो लीड एक्टर फॉर बेस्ट फिल्म I Have Electric Dreams was honored with the Silver Peacock for Best Actor Female। ठीक है, तो किसको मिला है, ध्यान देना आपको, डेनिला मरीन नवारो को मिला है लीड एक्टर बेस्ट फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म है, I Have Electric Dreams was honored with the Silver Peacock for Best Actor Female। ठीक है, इरानियन राइटर एंड डायरेक्टर नदेर सेवियर गॉट सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर नो एंड। ठीक है, फ्रांस वाज द स्पॉटलाइट कंट्री दिस ईयर। ठीक है, फ्रांस इस बार क्या था, स्पॉटलाइट कंट्री था। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज बीन नेम्ड एज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, UAE, Egypt, Australia, Japan। तो इसका राइट आंसर क्या है, Egypt। इस बार जो रिपब्लिक डे पे जो गेस्ट आने वाले हैं, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पर, वो कौन होंगे, Egypt के प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया हैज इनवाइटेड इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी एज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2023 as per the Ministry of External Affairs। This would be the first time that an Egyptian president would be the chief guest at the Indian Republic Day celebration। ये पहली बार हो रहा है जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे पे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट हैं। इजिप्ट इज वन ऑफ द 9 गेस्ट कंट्रीज टू G20 समिट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। बोथ कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन दिस ईयर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इंडिया इज सेट टू गिफ्ट अ बस्ट ऑफ
महात्मा गांधी, इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, G20 एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी विल बी इनॉग्रेटेड एज ए गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज द फर्स्ट स्कल्पचर ऑफ द महात्मा गांधी टू बी इंस्टॉल्ड एट द हेडक्वार्टर्स एंड द बस्ट इज मेड अप बाई रिनाउंड इंडियन स्कल्पचर पद्मश्री अवार्डी राम सुतर, हु ऑल्सो डिजाइन द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। द ओनली अदर गिफ्ट फ्रॉम इंडिया ऑन डिस्प्ले एट द यूएन हेडक्वार्टर इज दैट एन 11th सेंचुरी ब्लैक स्टोन स्टैचू ऑफ सूर्या एंड द सन गॉड डोनेटेड इन 1982। तो इससे पहले क्या क्या दिया गया था? 11th सेंचुरी का जो ब्लैक स्टोन स्टैचू था सूर्या का, द सन गॉड, कब दिया गया था ये? 1982 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल इन 2022? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कनाडा। कनाडा ने डेविस कप जीता है, याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कनाडा विंस डेविस कप टाइटल बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया 2-0। तो ये भी याद रखना है, कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर फाइनल मैच जीता था। फेलिक्स ऑगर एलियासिम गेव कनाडा ए 2-0 लीड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाय डिफीटिंग एलेक्स डी मेनियोर मिनोर 6-3, 6-4। द वर्ल्ड नंबर 6 वन बोथ ऑफ हिज सिंगल्स एंड डबल्स मैचेस। कनाडा मेड इट्स डिबट इन द डेविस कप टाइटल गेम इन 2019। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को। कितने से? 2-0 से। ये मेन चीज ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। समन्वय 2022 इज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच आर्म्ड फोर्सेस? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, समन्वय 2022 किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज समन्वय 2022 एट एयरफोर्स स्टेशन आगरा। विद दिस एक्सरसाइज द इंडियन एयरफोर्स एम्स टू एक्सेस द एफिकेसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्टीजेंसी मेजर्स। द एक्सरसाइज विटनेस पार्टिसिपेशन बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम द आसियान कंट्रीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और ये पूरे नवंबर मंथ का था। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी फायदा मिले। अगर कोई आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अक्टूबर मंथ का। दिसंबर मंथ का हो गया है, नवंबर मंथ का, अब हम लेके आएंगे अक्टूबर मंथ का। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।